इस परिस्थिति में आपको अगर वजन घटाना है तो मैं पहले आपको बता देती हूँ क्या-क्या चीज़ आपको नहीं खानी है। एक बार आप लिस्ट बना दीजिए कि क्या चीज़ नहीं खानी है, उसके बाद में आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ आप खा सकते हैं। बाद में मैं और भी प्रश्नों का जवाब दूंगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्या चीज़ नहीं खानी है। तो सब पहले नंबर पे आता है दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कोई भी प्राणी का दूध नहीं पीना है। दूध आप अगर नहीं पीते हैं लेकिन आप चीज़ खाते हैं, बटर, मलाई, पनीर, ये सब खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें बंद करनी है। आपको दही भी नहीं लेना है, आपको आइसक्रीम भी नहीं खानी है, दूध में से बनी हुई कोई भी मिठाई नहीं खानी है। तो ये सबसे पहला है। दूसरा है, आपको कोई भी नॉनवेज नहीं खाना है, यानी कि एग्स नहीं खाने हैं, फिश नहीं खानी है, आपको मटन ये भी नहीं खाना है। तो ये सारा सब बंद कर देना है। खाली आपको जो खाना है मैं बता देती हूँ, 100% शत प्रतिशत शुद्ध शाकाहारी खुराक। ये शाकाहारी खुराक ऐसा है जिसमें हम दूध, मतलब प्राणी के शरीर में से मिली हुई कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करते हैं, प्राणियों का दूध भी नहीं लेते हैं। तो फिर ये शुद्ध शाकाहारी खुराक जो है, इसे अंग्रेजी में वीगन आहार बताया जाता है। तो ये जो वीगन आहार है उसमें क्या क्या चीज़ आती है, तो सिर्फ बहुत ही सरल है। सबसे पहले फल आते हैं, सारे फल खाने हैं, तो कभी कम से कम 30 या 40 प्रकार के फल मिलते हैं। अब सारे फल जब भी चाहिए, जितने भी चाहिए खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सारी सब्जियाँ। जी हाँ, सारी सब्जी आप खा सकते हैं। उसमें भी कुछ 40 प्रकार की सब्जियाँ हैं, पान वाली भी है और जो स्टार्च बताते हैं, स्टार्ची सब्जियाँ हैं, वो भी आप खा सकते हैं। तीसरे स्थान पर है जिसे हम पल्सीज कहते हैं, यानी कि दाल। हर प्रकार की दाल खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, मंग बीन्स खा सकते हैं, मट बीन्स खा सकते हैं, राजमा, ये सारे खा सकते हैं, और तुअर की दाल है वो भी खा सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है अनाज, मतलब गेहूं, चावल, बाजरी, ज्वार, ये भी सारे आप खा सकते हैं। तो ये चार हो गया। इसके उपरांत आप कभी कभार थोड़े से नट्स खा सकते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और थोड़े सीड्स खा सकते हैं। तो नट्स में आ जाते हैं बादाम, काजू, ये वाले। और सीड्स है जैसे तिल है, फ्लैक्स सीड्स है, यानी कि अलसी के सीड्स, ये सब आप खा सकते हैं। तो ये आपके हो गए चार ग्रुप, सारे फल, सारी सब्जियाँ, सारी दाल और सारे अनाज, ये सब आप खा सकते हैं।